कोरोना की दूसरी लहर सुस्त पड़ने के बाद शासन के निर्देश पर 1 सितंबर से प्रदेश के कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी और गैर सरकारी स्कूल खोल दिए गए हैं और कोविड प्रोटोकॉल के तहत पठन पाठन का कार्य भी शुरू हो गया है। स्कूल खुलने से पहले साफ सफाई के साथ साथ ही सैनिटाइजर और अन्य व्यवस्थाएं की गई थी। काफी दिनों बाद स्कूल पहुंचकर एक तरफ जहां बच्चे काफी खुश दिखे, वहीं दूसरी तरफ शिक्षक भी काफी उत्साहित दिखाई दिए। शिक्षकों के अनुसार शासन द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पठन पाठन का कार्य किया गया। इस दौरान स्कूल पहुंचे बच्चों को मिड डे मील के तहत भोजन भी कराया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखनाथ प्राथमिक स्कूल का स्कूली छात्र एवं प्रधानाचार्य विभा तिवारी और बीएससी रामेंद्र कुमार सिंह ने कहा, पढ़ते थे? खेलते नहीं थे? नहीं, मैं दोनों करता था, पढ़ता भी था, शाम को खेलता भी था। क्या खेलते? अरे दोस्तों के साथ खेलते थे, कुछ भी, साइकिल चलाते थे, खेलते थे। हाँ पढ़ेंगे, किस क्लास में पढ़ते हैं? 4। हाँ विद्यालय खुले हैं हमारे यहाँ तो, चूँकि गार्जियन को एक दिन दो दिन से ही ये प्रोग्राम चल रहा था, सहमति पत्र पे सिग्नेचर करा लिया गया उनका, मतलब वो तैयार है कि नहीं बच्चों को भेजने के लिए, ये एक हफ्ते से ये प्रोग्राम चल रहा था। तो हमारे यहाँ तो बच्चे करीब 65% आए हुए हैं और 75% गार्जियन तैयार, में कुछ ही गार्जियन है जो नहीं भेजने के लिए तैयार हैं, बाकी लोग तो भेजने के लिए तैयार हैं। और बच्चे भी इतने दिन बाद स्कूल आए हैं, बहुत खुश हैं। अब चूँकि ऑनलाइन पढ़ाई सारे बच्चों के साथ तो हो नहीं सकती, इन लोगों के पास स्मार्टफोन तो सारे बच्चों के पास है नहीं, तो ये अच्छा है कि पढ़ाई शुरू हो गई और हम अपने विद्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर है, सब की व्यवस्था किए हैं, बच्चों को सैनिटाइज मतलब दिया गया है, बिल्डिंग भी हमने सैनिटाइज कराया है, साबुन की पूरी व्यवस्था है, सोशल डिस्टेंस कोरोना के जो भी नियम है वो सब फॉलो हो रहा है। बच्चों कितना उत्साह था, ये बच्चे स्कूल में बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, 2-3 महीने से घर पे बैठे हुए थे और स्कूल आके बहुत खुश हैं बच्चे पढ़ने के लिए, तो आप देख ही रहे हैं संख्या हमारे यहाँ की। और हमारे यहाँ चूँकि टीचर भी 5 है, कैंपस भी बड़ा है, बिल्डिंग भी बड़ी है, इसलिए बच्चों को बैठाने की कोई दिक्कत नहीं, एक सीट पर हमने सिर्फ 2 ही बच्चों को बैठाया है कोरोना को देखते हुए, तो हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मिड डे मील भी मिल रहा है? हाँ, अक्षय पात्र के द्वारा आया था, आज पहला दिन है लेकिन उन्होंने टाइम से, आज खीर और तहरी था, देख ही रहे हैं बच्चे कितने मन से खा रहे हैं। कितने बच्चे आएंगे? 70 के आसपास, 65-70 के बीच में है। हाँ, ये कल ही हम लोगों ने तैयारी कर ली थी 31 तारीख में, साफ सफाई ये सब, आज से हमारे विद्यालय खुल गए हैं और विद्यालय संचालन सफलतापूर्वक हो रहा है, बच्चों का हम लोग स्वागत कर रहे हैं और
और अध्ययन अध्यापन स्टार्ट हो गया, कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या अभी तक नहीं आई। क्या इसके लिए अभिभावकों से भी इसको सहमति पत्र लिया है? हाँ, अभिभावकों से भी हम लोगों ने सहमति पत्र लिया है, उनका भी कंसेंट लिया है, उनके सहयोग से ही विद्यालय हम लोग संचालित कर रहे हैं। छात्रों की उपस्थिति कितनी रहेगी सर? छात्रों की उपस्थिति लगभग आज की जो रिपोर्ट है 50% तक लगभग है। अच्छा,